एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप सभी के कमेंट मैंने पढ़े और आपका कहना है कि आवाज़ में इको आ रहा है वीडियो की, तो कुछ दिन तक झेल लीजिए इस चीज़ को। मैं जल्दी इसको सही करने वाला हूँ, अभी रूम पूरा खाली है, धीरे धीरे इसको भरा जाएगा, तब जाके आवाज़ में इको नहीं आएगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो SU-30 MKI की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि मैक्सिमम एयरक्राफ्ट हम लोग SU-30 MKI इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं, और इनके लिए कुछ नई मिसाइलें खरीदी गई थी और पास्ट में ये खरीदी गई थी, कुछ एक साल पहले ये खरीदी गई थी इनमें से कुछ मिसाइलें। तो दो इस प्रकार के मिसाइलों का ट्रायल किया गया। इसमें से पहली जो मिसाइल है वो मीका मिसाइल है, जो कि राफेल में भी लगकर आई हुई है। मीका फ्रेंच ओरिजिन की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कुछ 500 से लेके 60 किलोमीटर तक की होती है, 500 मीटर से लेके 60 किलोमीटर तक की होती है, और इसको शॉर्ट डिस्टेंस की एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। इसके अलावा रशिया से आई हुई R-77 मिसाइलों का भी ट्रायल किया गया और इनकी मारक क्षमता कुछ 80 से लेकर 100 किलोमीटर की होती है। जो रशियन मिसाइल हैं R-77 हैं, उनका पिछले हफ्ते ट्रायल किया गया था, और जो मीका मिसाइल है उसका आज ट्रायल किया गया और कल ट्रायल किया गया। दो शॉट मारे गए और दोनों अपने लक्ष्य को भेदे, जो कि अनमैन एरियल टारगेट था। आप जानते हैं कि बंसी इत्यादि का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो बड़ी खबर यही है कि राफेल से टेस्ट फायर होने से पहले मीका मिसाइल SU-30 MKI के द्वारा भी टेस्ट फायर की गई, और ये एक बेहतरीन मिसाइल है। तो SU-30 MKI में एक और कैपेबिलिटी अब ऐड हो रही है। तो हमारे देश के जितने भी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं, कुछ 270 तक ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सभी में मीका को अब डिप्लॉय कर किया जा सकता है। बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्तों की। आपको पता है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते हैं उसको ख़राब कर रखे हैं कश्मीर करके। और इससे पहले सऊदी अरेबिया ने जो लोन दिया हुआ था पाकिस्तान को, उसमें से $1 बिलियन उन्होंने वापस भी मांगा था, और पाकिस्तान ने चीन से लेके ये पैसे दिए। अब माफ़ी मांगने के लिए उनके जो जनरल बाजवा हैं वो सऊदी अरेबिया गए कल, पर सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया या उनको समय नहीं दिया। उनके जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की जनरल बाजवा से, और ISI के प्रमुख भी उनके साथ में गए हुए थे। दोनों लोग लग गए और अपना सा मुँह लेके अपने देश वापस वो आ चुके हैं। सऊदी अरेबिया के साथ इतनी कड़वाहट उनकी आ चुकी है कि उनके क्राउन प्रिंस ने उनको समय तक नहीं दिया, उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा उनको समय दिया गया। इस पर इमरान खान का क्या कहना है? इमरान खान से जब ये पूछा गया कि क्यों सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस उससे नहीं मिले, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये एक मिलिट्री टूर था, उनके सेना प्रमुख मिलिट्री लेवल की टॉक करने गए थे, इंटेलिजेंस लेवल की टॉक करने गए थे, इसलिए वो मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लोगों से ही मिले। पर ये सरासर गलत है। जनरल बाजवा केवल वहां पर आर्मी के चीफ नहीं है, वो पूरे देश के चीफ है। उन्होंने ही इमरान खान को इलेक्ट किया है, और यदि जनरल बाजवा किसी देश से मिलने जा रहे हैं, किसी देश के प्रमुख से मिलने जा रहे हैं, तो इतना समझो कि वो भी किसी देश के प्रमुख के लिहाज से ही जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख इमरान खान नहीं है, पाकिस्तान का प्रमुख जनरल बाजवा है, और उससे यदि क्राउन प्रिंस नहीं मिलते हैं तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ माना जा सकता है पाकिस्तान के फेस पे। पर अभी भी शाह महमूद कुरैशी सुधरे नहीं है, उनका फिर से कश्मीर का लाग राग जो अलापते हैं वो लगा ही हुआ है, पर इस बार दूसरे लहजे में। एक वेबिनार हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि 4 सूत्री प्लान है पाकिस्तान के पास इंडिया को जवाब देने का या इंडिया को रोकने का, इंडिया के विरुद्ध उनके पास 4 सूत्री जो प्रोग्राम है वो उनके पास बना हुआ है। 4 सूत्री प्रोग्राम उनका कुछ भी हो, वो तो भारत पे काम नहीं कर रहा है। पर एक और 4 सूत्री प्रोग्राम है उनके पास, जो कि है कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर और कश्मीर, यही वो हमेशा करते रह सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रोग्राम भारत पे काम नहीं करने वाला है, और उनका जो ये 4 सूत्री प्रोग्राम है कश्मीर वाला, ये भी काम अब नहीं कर रहा है। कोई भी देश उनकी तरफ नहीं देख रहा है, उल्टा ये जो कश्मीर का राग है वो उन पर उल्टा अप्लाई हो गया है, और
उनकी कुर्सी तो जाने वाली है, कल मैंने आपको खबरों में बताया था। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते अब लंबे लंबे समय तक खराब हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत को अपने बाजार की तरह देख रहा है, न कि पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अपने एक पिल्ले की तरह देख रहा है, जिसको वो कभी भी कुछ खिलाने के बहाने बुला सकता है और वापस भी फेंक सकता है। वही बात करें भारत और यूएस के रिश्तों की, तो यह एक अब नए लेवल पर पहुंचने वाला है। खबरों में निकलकर सामने आ रहा है कि B-2 स्टिल बॉम्बर को भारत में चाइना बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया जा सकता है। डिप्लॉय नहीं, इंटरऑपरेबिलिटी देखी जा सकती है। भारत में वो ऑपरेट करके देखेंगे किस प्रकार से क्या क्या प्रॉब्लम आती है या किस प्रकार से इसको ऑपरेट किया जा सकता है भारत के सिनारियो में। एक तरह से आप एक्सरसाइज समझ सकते हैं, जो कि भारत में कहा जा रहा है कि चीन के बॉर्डर के पास में की जा सकती है। अभी ये B-2 बॉम्बर अभी पैसिफिक एरिया में डिप्लॉय हुआ है और लगभग 23 से 24 घंटे लगातार ट्रेवल करने के बाद इसको डिप्लॉय किया गया है। और अमेरिका के ऑफिशियल्स का यह कहना है कि हम अपने जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए हमेशा तैयार हैं। इस बॉम्बर की ये जो यात्रा है, इसको देखने से ये लगता है कि इसको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है और कहीं भी अपने दोस्तों के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो हम अटैक करने के बिल्कुल तैयार हैं। इससे साफ डिनोट होता है कि ये जो पैसिफिक एरिया है, इंडियन ओशन एरिया है, यहाँ पर B-2 बॉम्बर का अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। और यह एक तरह से चीन को रेडीनेस दिखाने के लिए है कि ज़्यादा अगर भारत को आग दिखाओगे तो वो अमेरिका को आग दिखाने की तरह होगा और अमेरिका भी अपने प्लेन वहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है। हालांकि भारत के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, किसी दूसरे देश के प्लेन्स हमारे यहाँ वॉर में भाग लें, ये भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, पर यहाँ पर भौकाल दिखाने वाली बात है। भौकाल दिखाने के लिए भारत को इस प्रकार के विमानों को उड़ने की आज्ञा जरूर देनी चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जो LAC के पास में। इसके अलावा बात करेंगे इल्बिट सिस्टम की, तो इल्बिट सिस्टम को $27 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से दिया गया है। इल्बिट सिस्टम का कहना है कि किसी साउथ एशियन देश के द्वारा उनको ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है और उस देश की नेवी ने उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो ये क्लियर होता है कि भारत ने ही इल्बिट सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इस जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऐसा सिमुलेटर प्रोवाइड करना है उनको और ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है इंडियन नेवी को, जैसे कि एयर टू एयर कॉम्बैट हो रहा हो। इस सिस्टम में हिट होने पे उसका भी अलार्म आता है, इसके अलावा टारगेट एक्विजिशन अगर किसी एयरक्राफ्ट का हो जाए तो उसका भी अलार्म आता है, यानी कि पूरा ऐसे रियल टाइम सिनारियो देता है जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट में किसी एयरक्राफ्ट में हो सकता है। तो इस प्रकार का सिस्टम इंडियन नेवी खरीदने जा रही है। इल्बिट सिस्टम ने कहा है कि उस देश के एयरफोर्स इससे आश्वस्त होने के बाद उस देश की नेवी इसको खरीद रही है। तो जाहिर सी बात है ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की बात की जा रही है। वही बात करें चीन और बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को $1 बिलियन का कर्ज मिलने वाला है चीन से। तीस्ता रिवर जो कि भारत से के सिक्किम से होते हुए निकलती है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इस रिवर के द्वारा कई लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, तो इस रिवर के मैनेजमेंट के लिए बांग्लादेश को पैसों की आवश्यकता थी। चीन से उन्होंने डिमांड की, कुछ 900 मिलियन डॉलर उनको प्राप्त होने वाले हैं और दिसंबर 2020 से इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो जाएगा। चीन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस रिवर से कोई लेना देना नहीं है, बस वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में किसी तरह बांग्लादेश को अपने जो कर्ज के जाल है, जो कि कई देशों को फंसा चुका है, उसमें उसको फंसाए और भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने का प्रयास करे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।